हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ झोल मोमो की बहुत ही यम्मी सी रेसिपी। तो झोल मोमोज बनाने के लिए हमने सबसे पहले प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची, धनिया पत्ती, सेसमे शीट, मूंगफली के दाने ले लेने, साथ में सोयाबीन भी ले लेना। सारी चीज़ों को मजे से भून लेंगे। तो मूंगफली के दाने, सेसमे सीड को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे पहले। अगर आपके पास सोयाबीन हो तो आप उसको भी ड्राई रोस्ट कर लीजिए। सारी चीज़ों को अच्छे से भूनकर हम फ्राई पैन में उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब हम सेम फ्राई पैन में डालेंगे ऑलिव ऑयल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक, थोड़ी सी जीरा, साबुत काली मिर्च, मैंने साबुत काली मिर्च की जगह पाउडर काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। फिर उसमें ऐड करेंगे सूखी लाल मिर्ची, हरी मिर्ची और प्याज। सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। फिर ऐड करेंगे टमाटर, धनिया पत्ती, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, साथ में नमक ऐड करके मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अब हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया तो उसमें हम सेसमे सीड और मूंगफली के दाने डालकर फाइन पेस्ट बना लेंगे। फिर उसमें ऐड करेंगे गर्म पानी। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि जो हमारा झोल की स्लरी है वो बिल्कुल प्रॉपर बने। हमें बहुत नहीं गाढ़ा करना, ना बहुत पतला, मीडियम कंसिस्टेंसी का होना चाहिए हमारा स्लरी। फिर हम इसको अच्छे से पका लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती और अब हम इसको थोड़ा सा और पकाने के बाद इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस। हमारी टेस्टी यमी झोल बन के बिल्कुल रेडी है। मैं रागी मोमो यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो आटा या फिर नॉर्मल मोमोज भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चिली ऑयल और हमारा टेस्टी यमी मोमोज बन के बिल्कुल रेडी है। ज़रूर ट्राई करें।